हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआर क्लासेस। और आज की क्लास में हम एसक्यूएल को और आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने एसक्यूएल की सीरीज में हमने पढ़ा पहले लेक्चर में कि एसक्यूएल क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था क्या कि डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स एसक्यूएल के अंदर। अब इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप की कमांड्स जो होती है ना एसक्यूएल के अंदर, कमांड्स, उसका जो फर्स्ट टाइप होता है उसको कहते हैं क्रिएट टेबल कमांड। क्या बोलते हैं? क्रिएट टेबल कमांड। इस क्रिएट टेबल कमांड को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर। सो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो क्रिएट टेबल कमांड होती है वो बेसिकली एक टेबल को और यू कैसे रिलेशन को डिफाइन करने के लिए क्या होती है, यूज की जाती है। अब इसको कैसे यूज करते हैं, क्या इसका सिंटेक्स होता है, इस वीडियो में चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट क्रिएट टेबल कमांड इन एसक्यूएल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज डेटा डिफाइंड लैंग्वेज, विच मीन्स वर्ड TDL। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था एसक्यूएल में, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्कस करी थी, उसमें हमने देखा था कि एसक्यूएल के 3 पार्ट्स होते हैं ना। पहला क्या होता था TDL, दूसरा DML एंड DCL। ये 3 डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज हो सकती है ना एसक्यूएल के 3 पार्ट्स थे। पहला क्या था? डेटा डिफाइंड लैंग्वेज। DML क्या था? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एंड DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो जो क्रिएट टेबल कमांड होता है ना वो बेसिकली किस चीज का पार्ट है? वो होता है डेटा डिफाइंड लैंग्वेज, यू कैन से TDL का पार्ट है। टेबल्स आर डिफाइंड विथ द क्रिएट टेबल कमांड। और जो क्रिएट टेबल कमांड जो होती है ना, मतलब इसकी मदद से क्रिएट टेबल, ये इसका फॉर्मेट होता है लिखने का, इसकी मदद से हम टेबल्स को क्या करते हैं, इस कमांड की मदद से हम टेबल्स को डिफाइन करते हैं। व्हेन अ टेबल इज क्रिएटेड इट्स कॉलम आर नेम्ड, डेटा टाइप्स एंड साइजेस आर सप्लाइड फॉर ईच कॉलम। ये कह रहा है कि जब एक टेबल क्रिएट हो जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो कॉलम्स होती है कॉलम्स को नेम दे देते हैं, डेटा टाइप्स एंड साइज आर सप्लाइड फॉर ईच कॉलम। सो हर एक कॉलम को हम नेम भी क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं उसके लिए, और उसके लिए हम डेटा टाइप भी अप्लाई करते थे, उसका जो साइज है वो भी हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। सो बेसिकली क्रिएट टेबल कमांड का काम क्या होता है, टेबल को डिफाइन करना। और टेबल जब डिफाइन करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, उसमें हर एक कॉलम को हम नेम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, डेटा टाइप उसका और साइज क्या कर देते हैं, उसको सप्लाई कर देते हैं हर एक कॉलम के लिए। ईच टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कॉलम। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हर एक टेबल में कम से कम एक कॉलम तो होनी ही चाहिए, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कॉलम, यानी कि हर एक टेबल में कोई भी टेबल हो उसमें कम से कम एक कॉलम तो होनी ही चाहिए। द सिंटेक्स ऑफ क्रिएट टेबल कमांड इज, अब क्रिएट टेबल कमांड का सिंटेक्स देखते हैं, इसका सिंटेक्स कैसा होता है। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल, ठीक है, हमने लिखे क्रिएट टेबल। देन टेबल नेम, क्या लिखना होता है, टेबल नेम, आपको टेबल नेम दिया होगा वैसे, वो टेबल का नेम लिखना पड़ता है। देन आपको क्या लिखना पड़ता है, जो भी कॉलम के नेम है उस कॉलम का नाम, फिर इसका डेटा टाइप। अगर साइज, अब आपको पता है हमने पिछली वीडियो में डेटा टाइप्स को डिस्कस करा था, है ना, डिफरेंट टाइप्स के हमारे डेटा टाइप्स थे, इंट, कैर, है ना, डिफरेंट टाइप के थे। हमें पता है साइज हम कब लिखते थे, साइज लिखते हम किस केस में, कैर वाले केस में, मतलब जिसमें कोई करेक्टर टाइप का हमारा डेटा टाइप आता है। सो अगर कोई करेक्टर टाइप का डेटा टाइप आता है तो उसमें आप लिखते हो उसका साइज लिख दोगे, फिर कॉमा, फिर कोई दूसरी कॉलम नेम है उसका नाम और उसका डेटा टाइप, ठीक है, एंड सो ऑन आपको लिखते जाना है और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है। अब इसको समझते हैं, एक एग्जांपल को देखते हैं और क्रिएट टेबल कमांड को अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है उसमें। सो गाइस, एक एग्जांपल देखते हैं और वैसे इसको आप एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी समझ सकते हो, ठीक है। आपको सपोज करो कह रहा है कि टू क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल हूज स्कीम इज एज फॉलोस। स्टूडेंट ब्रैकेट में आर एन ओ कॉमा नेम कॉमा मार्क्स ग्रेड परसेंटेज सेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, आपको कह रहे हैं कि आपको एक टेबल को क्रिएट करना है, क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है और उस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। क्या नाम है टेबल का? नाम स्टूडेंट नाम है। और वो स्कीम्स इज एज फॉलो, स्कीम मतलब कि उन, मतलब जो कॉलम्स है ना, और कैसे जो टेबल के अंदर जो फील्ड्स होंगी, हर एक कॉलम होगी ना, मतलब डिफरेंट फील्ड्स होगी, उनके डिफरेंट नेम्स दे दिए इसने। जैसे टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट, अब पहली फील्ड क्या है और कैसे पहली स्कीम क्या है, आर एन मतलब कि रोल नंबर, देन नेम मार्क्स ग्रेड परसेंटेज सेक्स, सेक्स मतलब कि मेल फीमेल जेंडर, है ना। अब मुझे कहते हैं कि आपको क्या करना है इसके लिए, टेबल क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, क्या करूंगा, क्रिएट टेबल कमांड लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, क्रिएट टेबल कमांड। तो चलिए इसमें क्रिएट टेबल कमांड लगा के देखते हैं। सो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे जो उसका हमने सिंटेक्स देखा था उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। पहले लिखना पड़ता है क्या, क्रिएट टेबल, फिर हमें क्या लिखना पड़ता था, हमने देखा था उसमें लिखना पड़ता था हमें टेबल का नेम, है ना,
पहले लिखना पड़ता था क्रिएट टेबल, फिर लिखना था टेबल का नेम, और टेबल का नेम क्या है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे टेबल का नेम क्या स्टूडेंट, हो गया। अब हमें लिखने क्या जो भी हमारे स्कीम्स है और उनमें से हमारे जो कॉलम्स है उनके नाम, ठीक है। सो पहला जो आता था वो क्या आता था कॉलम नेम है ना, अब पहली कॉलम नेम का नाम क्या है आरएनओ, क्या है आरएनओ, तो लिख देते आरएनओ, तो आरएनओ लिखते हैं आरएनओ। अब देखो आरएनओ रोल नंबर, अब आप खुद सोचो इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है, रोल नंबर हमेशा 1, 2, 3, 4 मतलब रोल नंबर हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होंगे, किसमें होंगे इंटीजर फॉर्म में ही होंगे, तो ऑब्वियसली रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा इंटीजर होगा, तो रोल नंबर और थोड़ा स्पेस लिख के मैं लिख देता हूं इधर इंट, क्या लिख दिया मैंने इंट लिख दिया क्योंकि रोल नंबर इंटीजर टाइप का है। तो आपको पता है इंटीजर को आप आईएनटी भी लिख सकते हैं एंड INTEGER फुल भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मैंने इसमें इंट लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंटीजर पूरा भी लिख सकते हैं। देन कॉमा, देन सेकंड कॉलम का नाम, अब सेकंड कॉलम का नाम क्या है नेम, क्या है नेम। अब देखो दो चीजें, आप इसके आगे कंटिन्यू करके भी लिख सकते हैं या फिर आप एक यू कैन से एक स्पेस मतलब एक रो छोड़ के भी नीचे भी लिख सकते हैं, मतलब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि नेम यहाँ पे सीधा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ या फिर मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ नेम, मतलब जैसे मर्जी करो आप, चाहे इसके बाद में लिखो चाहे इसके नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नेम आप देखो नेम का टाइप क्या हो सकता है डेटा टाइप, नेम का डेटा टाइप क्या होगा करेक्टर, क्योंकि किसी चीज का नेम नेम हमेशा क्या होता है करेक्टर डेटा टाइप होता है, मैंने डिस्कस करा था अपनी वीडियो में टाइप्स ऑफ डेटा वाले में है ना, डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल में, सो इसका करेक्टर वो क्या होगा डेटा टाइप क्या होगा इसका करेक्टर, तो मैं लिख दूंगा CHAR करेक्टर, ठीक है। अब इसका साइज भी लिखना पड़ेगा, इसका साइज लिखना पड़ेगा, तो इसका साइज हमें पता है इसमें लिखते हैं पैरेंथेसिस में, और इसका साइज आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से है ना। सपोज करो मैंने साइज लिख दिया क्या 50, क्या लिख दिया 50 इसका मैंने साइज लिख दिया। देन उसके बाद कॉमा, देन हम देखेंगे थर्ड कॉलम का नाम, वो क्या है मार्क्स, क्या है मार्क्स, तो मैं लिखा मार्क्स। अब देखो मार्क्स किस मतलब क्या इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है, मार्क्स का डेटा टाइप क्या हो सकता है इंट होगा, क्या होगा इंट, तो मैं लिख दूंगा इधर इंट। देन क्या है हमारा ग्रेड, क्या है ग्रेड, तो ग्रेड देखो आप, अब ग्रेड का डेटा टाइप क्या होगा, ग्रेड का डेटा टाइप होगा क्या हमारा करेक्टर, क्योंकि ग्रेड क्या होंगे हमारे देखो ए होता है A+B, B+C, D, E, ये क्या है बेसिकली एक करेक्टर से तो है, तो ग्रेड का डेटा टाइप क्या होगा करेक्टर, तो क्या लिख दिया मैंने ठीक है। और इसका आपको साइज दे दो, सपोज करो मैंने इसका साइज दे दिया क्या 10 दे दिया, ठीक है साइज मैंने इसका 10 दे दिया, बस हो गया काम। और हमारी जो नेक्स्ट कॉलम है वो क्या है परसेंटेज, अब देखो आप, अब परसेंटेज का डेटा टाइप क्या होगा खुद सोच के देखो, परसेंटेज हर केस में ऐसे होते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल तो मैं बताऊं आपको, जैसे 80.00% आईएएस की, 79.58% आईएएस की, 80.50% आईएएस की, मतलब परसेंटेज हमेशा डेसिमल फॉर्म में ही होती है, किसमें होती है डेसिमल फॉर्म में ही होती है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज का डेटा टाइप क्या होगा, परसेंटेज का डेटा टाइप होगा डेसिमल, सो हम परसेंटेज का क्या लिख देंगे डेसिमल, क्या लिख देंगे डेसिमल। देन कॉमा, देन हमारी नेक्स्ट कॉलम कौन सी है, नेक्स्ट कॉलम है हमारी सेक्स की। अब देखो जो सेक्स होता है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, सो मेल फीमेल सेक्स मतलब कि करेक्टर टाइप ही तो है एक तरह से, अगर आप किसी का सेक्स लिखोगे आप ऐसे लिखोगे ना एम या फिर एफ है ना, जेंडर को करोगे और वो बेसिकली एक करेक्टर ही तो है, सो सेक्स का वो क्या होगा डेटा टाइप क्या होगा करेक्टर होगा, तो मैं लिख दूंगा कैर, और आप इसका कोई साइज क्या कर दो दे दो कुछ, जैसे सपोज करो मैंने साइज दे दिया इसका क्या 20, क्या दे दिया 20। अब देखो हमारी इसके अकॉर्डिंग और कोई कॉलम नहीं है, इतनी कॉलम्स थे उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और हमें पता है लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ता है एक सेमी कॉलम लगाना पड़ता है, तो हम एक सेमी कॉलम लगा देंगे, और ये क्या हो गई हमारी एक टेबल, हमने क्या कर दी स्टूडेंट नेम्स, हमने टेबल को क्रिएट कर दिया, ये जस्ट फॉर ये क्या था रफ वर्क था, सो हमारी जो टेबल क्रिएट हुई वो ये हुई बेसिकली, ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई ठीक है। ये हमारी क्या थी, इसने क्वेश्चन क्या दिया था हमें कि स्टूडेंट नाम की टेबल दे दी और उसने हमें कुछ फील्ड्स के नेम दिए थे कॉलम्स के नेम दिए थे और कहा था इसके लिए टेबल क्रिएट करो, तो हमने इसके लिए टेबल क्रिएट कर दी। अब क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, मतलब अलग थोड़ा घुमा के भी आ सकते हैं जिसमें आपको टेबल थोड़े डिफरेंट हो अलग अलग कॉलम्स दी हो, बस आपको ध्यान रखना है क्या, आपको उसके सिंटेक्स को ध्यान रखना है
आपको फॉर्मेट को भी ध्यान रखना है और देखना है कि किस कॉलम के लिए कौन सा डेटा टाइप हो सकता है। जैसे हमने हर एक कॉलम के लिए लगाया ना, क्या जैसे रोल नंबर नेम इन सबके लिए हमने डेटा टाइप्स को लगाया समझा और करेक्ट डेटा टाइप को हमने लगाया। सो ये क्या था बेसिकली क्रिएट टेबल कमांड थी। सो गाइस ये तो थी हमारी क्या पहली कमांड एसक्यूएल के अंदर जो क्या थी क्रिएट टेबल कमांड। सो हमने इस वीडियो में क्या समझा कि क्रिएट टेबल कमांड क्या होता है बेसिकली, ठीक है, और उसका सिंटेक्स क्या होता है, और हमने इसमें एक एग्जांपल यू कैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको हमने समझा और इसको सॉल्व भी करा क्रिएट टेबल कमांड को। सो अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।